जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि जिसे पार्टी से जाना है वो चला जाए, जा सकता है। मैंने किसी को रोका नहीं और ना ही मैं रोक सकता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि नेता अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं। एक दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के कमजोर होने की बात कही थी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा बीते कुछ दिनों से इशारों ही इशारों में महागठबंधन के नेता नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध रहे हैं। कुशवाहा के अचानक से मन परिवर्तन के बाद उनके जेडीयू छोड़ने की अटकलें भी शुरू हो चुकी थी। तो आइए आज उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ही आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 1985 में अपना सियासी करियर शुरू किया था, लेकिन बीते 15 साल से वो 7 बार आया राम गया राम का खेल खेल चुके हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कुशवाहा 2 बार अपनी पार्टी भी बना चुके हैं। दिलचस्प अब यह है कि कुशवाहा और नीतीश की जोड़ी को बिहार में लवकुश की जोड़ी कहा जाता है। पार्टी छोड़ने का खेल 2007 में शुरू किया था। उस वक्त पहली बार उन्होंने जेडीयू से बगावत की थी और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। तो कुशवाहा ने खुद की राष्ट्रीय समता पार्टी बना ली। फिर 2009 में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से पलटी मारी और नीतीश कुमार से जाकर मिल गए। इस बार नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। 2013 जेडीयू और बीजेपी में तनातनी के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को झटका देने के लिए फिर से पार्टी छोड़ दी और इस बार उन्होंने फिर से अपनी खुद की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना ली। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और लोकसभा में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हालांकि एक सीट डमी के तौर पर उनको मिली। कुशवाहा बिहार में 3 सीट जीतने में कामयाब भी रहे। इसके बाद उन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री बना दिया गया। 2018 में मोदी सरकार से जातीय जनगणना आदि के मुद्दे पर विरोध के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कुशवाहा एनडीए छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महागठबंधन में शामिल हो गए। 2019 में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। उन्होंने बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना लिया, लेकिन मोर्चा फेल हो गया। एक भी सीट नहीं मिली तो वो फिर से जेडीयू में शामिल हो गए। उपेंद्र की नाराजगी की खबरें तो तभी से आ रही हैं जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला। माना यह जा रहा है कि कुशवाहा को उम्मीद ये थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डेप्यूटी सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि कोई दूसरा डेप्यूटी सीएम नहीं होगा, जिससे उपेंद्र कुशवाहा के अरमानों पर पानी फिर गया है। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ने की अटकलें लगातार इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि महागठबंधन के नेताओं के बोलने पर रोक लगा दी गई है, यानी कि बयानबाजी पर रोक लगा दी गई है। वो पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं, इसीलिए लगातार आरोपों के गोले भी दागे जा रहे हैं। मकर संक्रांति पर उपेंद्र कुशवाहा ने दही चूड़ा भोज के आयोजन का ऐलान कर दिया था। इसमें सभी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। हालांकि शरद यादव के निधन की वजह से इसे कैंसिल कर दिया गया, लेकिन इस पार्टी ने संकेत दिया था कि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुशवाहा के अभी बीजेपी हाईकमान से टच में होने की भी लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बार उनके लिए राहें आसान नहीं होने वाली क्योंकि उनकी विश्वसनीयता बड़ी संदिग्ध हो चुकी है। राजनीतिक दबाव बनाकर जेडीयू में बने रहने की उनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन नीतीश के बयान के बाद लग ये रहा है कि उनकी जो रणनीति है वो काम नहीं कर रही। आज इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।